फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों में ये दिया हुआ है कि हमारे पास दो चार्ज है, एक है 3 × 10⁻⁸ कूलम और एक है −2 × 10⁻⁸ कूलम। इनके बीच का सेपरेशन 15 सेंटीमीटर है। बताओ किस किस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा। अगर हमारे पास दो चार्ज दिए जाते हैं, इसमें से एक चार्ज पॉजिटिव होता है और एक चार्ज नेगेटिव होता है, तो ऐसे दो पॉइंट होते हैं जहां पोटेंशियल क्या होता है, जीरो, एक बीच में और एक बाहर, एक बीच में और एक बाहर। समझे बच्चों, ऐसे दो पॉइंट मिलते हैं, ध्यान रखना। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसे दो पॉइंट होते हैं जहां पोटेंशियल क्या होता है, जीरो, एक बीच में और एक बाहर। तो इधर देखो, पहले तो बीच वाला पॉइंट देखते हैं, फर्स्ट केस बीच का कोई पॉइंट है, मान लो यहां पर ये जो पॉइंट है यहां से x डिस्टेंस की दूरी पे है। अगर ये x होगा तो ये दूरी कितनी होगी, 15 − x। इस पॉइंट पे मान लो पोटेंशियल जीरो है। पोटेंशियल जीरो कैसे, जितना इसकी वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल है उतना ही इसकी वजह से नेगेटिव पोटेंशियल है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती, इसमें सिर्फ मैटर करता है कि एक की वजह से पॉजिटिव और एक की वजह से नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है। समझे, इधर देखो अच्छे, तो यहां पर कोई अच्छे सफर कर रहे हैं, ठीक है। इधर देखो अच्छे, तो यहां पर क्या है कि फर्स्ट केस जो हमारा है, इसमें अगर हमने मान लिया ये पॉइंट है, पी पॉइंट है, यहां पोटेंशियल जीरो है, इधर देखो अच्छे, यहां पोटेंशियल जीरो है, तो इसकी वजह से जितना पॉजिटिव पोटेंशियल होगा इसकी वजह से उतना ही नेगेटिव होगा। तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय आर। इसका डिस्टेंस कितना है, एक्स, और इसकी वजह से उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल होगा। कितना होगा, के क्यू, क्यू कितना है, 2 × 10⁻⁸ बाय डिस्टेंस कितना है, 15 − x। अच्छा देखो अच्छे, अब यहां पे आपका क्वेश्चन आया माइनस टू नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है अच्छे। यहां तो मैं इसको ऐसे लिखूं, यहां तो एक काम करूं, दोनों का पोटेंशियल मिला करके साइन ले लो, जैसे आप कह रहे हो कि सर एक काम करो माइनस ले लो, क्योंकि चार्ज को तो माइनस लिया जाता है। यहां पर दोनों का पोटेंशियल इसका प्लस इसका मिला के क्या होना चाहिए, जीरो। समझे अच्छे, इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल दोनों का मिला के जीरो। ऑल द ये नेगेटिव है, जब इसको उधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझे अच्छे, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁸ बाय एक्स, ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁸ इंटू के बाय 15 − x। के से के कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 45 − 3x इक्वल टू 2x। क्या आ जाएगा अच्छा, ये 45 = 5x, x क्या आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। तो कहां पर पोटेंशियल जीरो हो रहा है, इस चार्ज से 9 सेंटीमीटर दूरी पर पोटेंशियल क्या हो रहा है, जीरो। तो जब भी आप लिखो तो नाम लिख देना 9 सेंटीमीटर फ्रॉम 3 × 10⁻⁸ कूलम, इससे। और अगर इससे 9 सेंटीमीटर तो इससे कितना होगा, 15 − 9 कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, इससे 9 सेंटीमीटर, इससे 6। तो यहां पर ध्यान रखना बच्चों, जब ये क्वेश्चन करते हैं तो एक तो पॉइंट इनसाइड होता है और एक पॉइंट आउटसाइड होता है। तो अभी हमने फर्स्ट जो पार्ट किया है वो इनसाइड किया है, कि बीच में किसी पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा। अब हम आते हैं सेकेंड की तरफ, आउटसाइड जीरो होगा। रमा ये बताओ आउटसाइड कहां पोटेंशियल जीरो होगा, यहां इस साइड या इस साइड, इस साइड। वेरी गुड बच्चे, कैसे, देखो यार, जो छोटे वाली मैग्नीट्यूड होता है ना, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होता है उसके साइड पोटेंशियल जीरो होता है। इनमें से किसका मैग्नीट्यूड छोटा है, इसकी, इसका वैल्यू छोटी है, इसके पास पोटेंशियल मिलेगा आपको जीरो। तो अगर आपको सेकंड निकालना है आउटसाइड पॉइंट, तो उसके अंदर चेंज हो जाएगा, इसके अंदर आप ये डिस्टेंस एक्स ले लो, यहां पे दूरी किससे निकाल रहे हैं, हम इससे निकाल रहे हैं। तो समझो अच्छे, छोटे वाले चार्ज के साइड में इसकी वैल्यू देखो 3 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, छोटा वाला चार्ज है। अब यहां पर भी सेम होगा, इन दोनों का पोटेंशियल मिला के क्या होगा, जीरो। तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, यहां पर इसकी वजह से k इंटू 3 × 10⁻⁸, कितनी दूरी होगी इसकी यहां से यहां तक, 15, और ये प्लस x, 15 + x। और जितना पोटेंशियल इसका है पॉजिटिव में उतना इसका नेगेटिव में होगा, k, इसका चार्ज क्या है, −2 × 10⁻⁸, और इसका यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है बच्चों, ये x है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। इसको उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, k 3 × 10⁻⁸ 15 + x, क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻⁸ बाय x, k से k कैंसिल,
ये कैंसिल, ये इधर क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 30 प्लस 2x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये किससे आ रहा है, ये दूरी आ रही है फ्रॉम 2 × 10⁻⁸ कूलम। अगर इससे 30 है तो इससे कितना हो जाएगा, ये 30 और ये 15 क्या हो जाएगा, 45। समझे बच्चों, तो ये ध्यान रखना जब कभी इस तरीके का क्वेश्चन आए, हमारे पास दो चार्ज दिए हुए हो और पूछा है कहां पोटेंशियल जीरो है, तो एक तो इनसाइड पे होगा, एक आउटसाइड पे होगा। हो सकता है आपको शायद एक ही पॉइंट निकालना हो, बट आप दोनों पॉइंट देख लो, हो सकता है दोनों पॉइंट पूछे हुए, देख लेना कैसे करना है। समझे बच्चे, आगे बढ़े, लिखने की जरूरत है, देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, मिटा दे इसको, बाकी वीडियो में देख लेना बच्चों, बाकी तो जो भी है। फोकस कर रहा है, ये दूसरा है बच्चे, ये 8 है ना, 7 नहीं है, थोड़ी लो क्वालिटी बनाना नहीं है। देखो इससे सही तो 7 ही काम कर रहा है, 8 से सही बताऊं तो, 8 वाला तो तनी नया है और अजीब सा काम कर रहा है। क्या 9 माइनस नहीं होते, प्लस 9। हाँ इधर देखो बच्चे, अब क्या दिया हुआ है, एक रेगुलर हेक्सागन है इस क्वेश्चन में, इधर देखो बच्चों, और इसके हर हर कोने पे कितना चार्ज रखा हुआ है, 5 माइक्रो कूलम, 5 माइक्रो कूलम, और इसकी साइड कितनी बच्चे बताना, 10 सेंटीमीटर साइड है, सेंटर पे पोटेंशियल बताना है नेट। तो देखो जो किसी एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर, किसी एक सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर। बट यहां पर कितना, क्या सिंगल चार्ज है, नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहां 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि सभी चार्ज की जो दूरी सेंटर से है वो क्या है, सेम है, सभी चार्ज की दूरी सेम है, तो एक का पोटेंशियल निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, चार्ज कितना है, 5 माइक्रो कूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁶, और डिस्टेंस कितना है, देखो यार ये साइड 10 है, साइड 10 होती है, साइड तो 10 होती होती है, सेंटर से ये दूरी भी क्या होती है, 10 ही होती है, ये भी 10 ही होता है, हमने आपको बता रखा है कि जब हेक्सागन होता है तो हेक्सागन में जो साइड होती है और रेगुलर हेक्सागन में साइड और वर्टेक्स से लेके जो दूरी होती है सेंटर की, वो भी सेम होती है। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, मीटर में लिखेंगे, ये आ जाएगा, ये कट जाएगा, 10⁻⁴ आ जाएगा, ये 10⁸ आ जाएगा। बोलो अच्छे, हाँ अच्छे बोलो, किसमें, पिछले वाले में यूनिट से यूनिट कट गया था ना, ये फिर फाइनल आंसर भी सेंटीमीटर में दिया था ना, यहाँ हमें पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल तो एमके सिस्टम में निकालते हैं ना उस टाइम, समझे अच्छे, जब आपको कोई चीज निकालनी है जो एक प्रॉपर यूनिट में, स्टैंडर्ड यूनिट में, तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। यहां पर कितना होगा अच्छे बताना, 30 आ जाएगा, 10⁴ ऐसा आ रहा है। समझे अच्छो, क्वेश्चन हो गया इस तरीके से, आगे बढ़ते हैं। अच्छे देखो जो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और अब एक सिस्टम है यहां पर जिसकी साइड L है, अब आप इसे डिसोसिएट करना चाहते हो, इसे डिसोसिएट करना चाहते हो अच्छे, डिसोसिएट करना चाहते हो मतलब कि आप चाहते हो कि हर एक चार्ज जो वो इन्फिनिटी पे चला जाए। तो देखो अच्छा, एक्चुअली क्या होता है कि हर एक चार्ज आप चाहते हो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू सेपरेट चार्ज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, ये आप चाहते हो। तो देखो अच्छा, वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा ताकि चार्ज सब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाए। वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अगर आप चाहते हो कि सभी चार्ज आपस में बहुत दूर चले जाए, एक दूसरे से इन्फिनिटी पे चले जाए, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों, क्योंकि दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होती है के क्यू वन क्यू टू बाय आर। अगर सभी चार्ज में डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए, मतलब अगर आर इनफाइनाइट हो जाए, अगर ये इनफाइनाइट हो जाए, तो पोटेंशियल एनर्जी सभी की क्या हो जाएगी, जीरो। इन दोनों की, क्योंकि इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट सेपरेशन होगा, इनके बीच में इनफाइनाइट सेपरेशन होगा, इनके बीच में इनफाइनाइट सेपरेशन होगा। अगर चार्ज के बीच में इनफाइनाइट सेपरेशन होता है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो। समझे बच्चे, क्यों जीरो होती है, क्योंकि वो इंटरेक्शन नहीं कर पाते, इंटरेक्शन नहीं कर पाते।
तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि इनके बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाएगा। बट इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, क्योंकि हमें यहां पुट करना है, यहां पर कितनी इनिशियल बताओ भाई, इनिशियल में सिस्टम बनाना पड़ेगा पेयर, इसकी कितनी होगी बोलो, पहला पेयर माइनस फोर। देखो ये सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारा, और इसमें पूछा गया है कि फाइंड द साइन ऑफ वीपी माइनस वीक्यू। इधर देखो चारिन, पहले बताओ वीपी बड़ा या वीक्यू बड़ा होगा? वीक्यू। देखो वोल्टेज जो है वो वी क्या होता है, के क्यू बाय आर होता है। पी पास में है, डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, पोटेंशियल एट पी ग्रेटर होगा पोटेंशियल एट क्यू के कंपैरिजन में। तो अगर वी पी माइनस वी क्यू करोगे तो क्या साइन मिलेगा, पॉजिटिव साइन मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड साइन ऑफ वर्क डन इन मूविंग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी। अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां मूव करना चाहते हो तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। देखो जी ध्यान रखना, वर्क डन जब पूछा जाए तो वर्क डन दो तरीके से पूछे जाते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और वर्क डन बाय फील्ड। एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या होता है कि जब जो फोर्स आप लगा रहे हो, आप चाहते हो कि आप एक पॉजिटिव चार्ज को क्यू से लेकर पी तक जाओ, आपको रिपल्शन का सामना करना पड़ेगा या अट्रैक्शन का, रिपल्शन का। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है, आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, आपका फोर्स भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी किधर कर रहे हो आप, इधर आप फोर्स इधर लगा रहे हो, लेके आ रहे हो, तो दोनों में एंगल कितना हुआ, जीरो। वर्क डन क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। अगर थीटा जीरो डिग्री हो जाए तो वर्क डन क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव। बट इसमें ऐसा भी पूछा जाता है, मान लो ऐसा पूछा जाता है, इधर देखो अच्छे, मान लो एक चार्ज को क्यू से लेके पी पे ले जाया जा रहा है, कहां से कहां ले जाया जा रहा है, क्यू से पी पे, वर्क डन बाय फील्ड पूछता, क्या पूछता, वर्क डन बाय फील्ड। तो हमारा एक्सटर्नल, देखो अच्छे, एक चार्ज पर इस टाइम पे दो फोर्स लग रहे होंगे, कौन कौन से फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इसको यहां ले जा रहा है और फील्ड किधर धकेल रही है, इधर धकेल रही है। सुन लो बच्चे, इधर देखो इस टाइम पर चार्ज पर दो फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से, फील्ड वाला हमने पढ़ रखा लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल, ये इसको भगाने के चक्कर में है, बट हम अपनी मशक्कत से उसको उसके पास में ले जा रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, रिपेल, तो फील्ड, ये फील्ड जो है इसको भगा रही है, समझे, जैसे ये मार्कर है, ग्रेविटेशन उसको कहां ले जाने की कोशिश कर रही है, नीचे, बट हम किधर ले जा रहे हैं, ऊपर, तो ग्रेविटेशन का फोर्स नीचे लग रहा है और हमारा फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है। ऐसे ही ये इस पे इसे धकेल रहा है और हम इसे पास ला रहे हैं। अगर आपसे पूछे कि हम इसे पास ला रहे हैं और हमारा फोर्स अगर ज्यादा है थोड़ा सा, अगर हमारी वैल्यू ज्यादा है, कौन जीतेगा, हम जीत गए, तो बॉडी किधर आएगी, इधर, तो एक्स फील्ड इधर फोर्स लगा रही है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है, इधर। तो वर्क डन बाय फील्ड अगर आपसे पूछा जाए तो एफ एस कॉस 180 हो जाएगा, क्योंकि फील्ड का फोर्स उधर लग रहा है और एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है, इधर, इन्होंने में एंगल कितना हो जाएगा 180 और कॉस 180 माइनस हो जाएगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। वो तो ठीक है अच्छा, बट बात समझो, हमेशा कभी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछा जाएगा या वर्क डन बाय फील्ड पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, वर्क डन बाय फील्ड। वर्क डन बाय फील्ड का मतलब क्या है कि फील्ड किधर धकेल रही है, समझे, जैसे मान लो, अगर मान लो एक बॉडी है, देखो ये मार्कर है, अगर मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं ऊपर और मैं डिस्प्लेसमेंट ऊपर कर रहा हूं ऐसे, तो मेरे द्वारा किया हुआ वर्क डन पॉजिटिव होगा, क्योंकि मैंने ऊपर फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हुई, ऊपर हुई। बट मैं जब ऊपर ले जा रहा हूं तो ग्रेविटी किधर फोर्स लगा रही है इस टाइम पर, नीचे, ग्रेविटी तो फोर्स नीचे लगा रही थी और डिस्प्लेसमेंट किधर हुई, ऊपर, तो ग्रेविटी का किया हुआ वर्क किस पे क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, समझे नहीं समझे। वर्क डन बाय ग्रेविटी, देखो इस केस में अगर मैं पूछूं वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ, तो आप क्या कहोगे, नेगेटिव, कैसे, क्योंकि बॉडी ऊपर गई और ग्रेविटेशन किधर फोर्स लगा रही थी, नीचे, फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है, ऊपर। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फोर्स ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो पॉजिटिव। जब कभी वर्क डन पूछा जाता है ना ऐसे केसेस में, तो वर्क डन बाय फील्ड अलग होता है, साइन अलग होता है, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का साइन अलग होता है।
हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि वर्कडन बाय फील्ड क्या होगा। सुनो बच्चे, अगर हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाता आपसे कि वर्कडन बाय फील्ड क्या होगा अगर पॉजिटिव चार्ज को लेके आए, तो वर्कडन बाय फील्ड क्या होता उस टाइम पे, क्या होता नेगेटिव होता। समझे नहीं समझे? समझे बच्चे वर्कडन बाय फील्ड क्या होता, क्योंकि फील्ड तो कभी नहीं चाहती कि पॉजिटिव चार्ज उसके पास आए, तो उसको धकेलती, पास नहीं आने देती और आप पास लेके आ रहे हो। समझे? सुन लो बच्चे, लाइफ में एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपसे कभी कोई केस में वर्कडन बाय फील्ड का साइन पूछे, तो फील्ड जिसमें खुश है उसका साइन पॉजिटिव होगा, और जिसमें फील्ड दुख है, दुखी है, उसका साइन नेगेटिव होगा। जैसे ये ग्रेविटेशन, इसमें बॉडी नीचे आ रही है, तो वर्कडन बाय ग्रेविटेशन क्या हुआ? देखो ग्रेविटी किधर चाहती थी, नीचे, और बॉडी भी किधर गई? नीचे। इधर देखो, ग्रेविटी किधर चाहती थी, नीचे, और बॉडी भी किधर गई? नीचे। तो इस केस में वर्कडन क्या होगा? ग्रेविटी के द्वारा पॉजिटिव होगा। समझे? और इस केस में देखो, इस केस में मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूं, ग्रेविटी क्या चाहती थी, ये नीचे जाए, और हम उल्टा ले जा रहे हैं, तो वर्कडन बाय ग्रेविटी क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक इस केस में ये पॉजिटिव चार्ज चाहता है इस पॉजिटिव चार्ज को दूर भगा दे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज को दूर भगाने में कामयाब हो जाता है, बॉडी पीछे जा रही है, तो वर्कडन बाय फील्ड क्या होगा? वर्कडन बाय फील्ड क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये फील्ड तो यही चाहती थी ना, ये पॉजिटिव पॉजिटिव को भगा दे, और उल्टा पड़ जाए, ये फील्ड तो उधर भगाना चाहती है और चार्ज पास आ रहा है, तो वर्कडन बाय फील्ड क्या होगा? नेगेटिव होगा। कोई भी किसी के द्वारा भी वर्कडन पूछा जाए, देखो जो चीज हमारे मुताबिक होती है वो हमारे लिए पॉजिटिव होती है, और जो हमारी उल्टी होती है वो हमारे लिए क्या होती है? नेगेटिव होती है। समझे नहीं समझे? तो बस आप देख लेना कि कौन किधर फोर्स लगा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है, उसी की डायरेक्शन में हो रही है या उसके अपोजिट हो रही है। समझे? मान लो मैं डंबल उठा रहा हूं, पर डंबल बहुत भारी है, मैं उठा नहीं पा रहा, उल्टा डंबल नीचे जा रहा है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, मैं एक्सटर्नल फोर्स तो ऊपर लगाने की कोशिश कर रहा हूं, बट मैं ऊपर उठा नहीं पा रहा हूं ना, तो काम क्या हो रहा है? मेरे विरुद्ध खिलाफ हो रहा है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और वर्क डन बाय ग्रेविटेशन क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि ग्रेविटेशन नीचे ले आना चाहती थी, वो नीचे ले गई। समझे बच्चे? इस तरीके से उधर छोड़ो बच्चे, बस समझ में आया ना कॉन्सेप्ट, समझ में आया ना? चलो आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट पे ना बच्चे, आगे देखो नेक्स्ट। लेकिन आप छोड़ो ना, सिस्टम तो अर्थ को लेंगे ना, वो सब छोड़ो बच्चे, मतलब बात समझ में आई ना, बात समझ में आ गई ना, सब छोड़ो, सिस्टम छोड़ो। इधर देखो अब क्या है, दस काइनेटिक एनर्जी और स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज इन गोइंग फ्रॉम पी टू क्यू। एक नेगेटिव चार्ज कहां से कहां जा रहा है? यहां से यहां जा रहा है, डिक्रीज। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? क्यों बताओ? देखो एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज नहीं चाहता कि नेगेटिव चार्ज उसे दूर जाए, पर वो दूर भाग रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है। नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज दूर भाग रहा है, पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं चाहेगा ये नेगेटिव क्या करे, दूर भागे, तो पॉजिटिव अपनी तरफ खींचेगा, तो उसको स्लो डाउन करेगा, क्या करेगा? स्लो। तो स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। समझे बच्चों? आया समझ में? अगर नेगेटिव चार्ज पी से क्यों जा रहा है, पॉजिटिव से दूर जा रहा है, तो पॉजिटिव होने देगा? होने दे देगा, रोकेगा ना, रोकने का काम करेगा। हाँ अगर नेगेटिव चार्ज पास आ रहा होता तो और तेजी से आने और बुलाता, आओ, अट्रैक्ट करता। आगे बढ़े बच्चे, इधर देखो, इधर देखो बच्चे, इधर देखो बच्चे, इधर देखो। अब ये क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, इधर देखो बच्चे, इधर देखो, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये 4.0 पे है और ये -4.0 पे है, और एक ये कैपिटल क्यू चार्ज है, इसको इस लाइन के अलोंग मूव कराया जा रहा है, ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, इस प्रोसेस में वर्कडन कितना होगा? एक्चुअली इस प्रोसेस में वर्कडन क्या होगा? जीरो। क्योंकि देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव। इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव। हमने आपको एक चीज बता रखी है, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, अगर ये एक्सियल लाइन है, कैसी लाइन है? एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। अगर इस लाइन पे यहां पर और यहां पर दोनों हर पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कोई पोटेंशियल चेंज ही नहीं होगा। अगर पोटेंशियल चेंज जीरो होगा तो वर्कडन भी नहीं होगा, क्योंकि वर्कडन क्या होता है बच्चों? वर्कडन होता है क्यू डेल्टा वी, ये फॉर्मूला होता है जो हम यूज करते हैं, तो ये भी यूज में आता है। ऑल दो अभी जो न्यूमेरिकल की हमने इसको यूज नहीं किया फिलहाल, तो पर लास्ट क्लास में आपको बताया था, चेंजिंग पोटेंशियल जीरो हो जाएगा तो वर्कडन भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बताया था आप लोगों को Q इज इक्वल टू U इज इक्वल टू क्यू वी, और डेल्टा U इज इक्वल टू Q डेल्टा V इज इक्वल टू वर्कडन।
समझे? आगे बढ़े नहीं बढ़े, अच्छे मत बढ़ो।